गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। फटाफट लाइव आ जाइए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बेटा, कई स्टूडेंट्स हैं जो लेट आ रहे हैं, बेटा फिर कह रहे हैं हमारी क्लासेस जो अपनी है वो 7:50 एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाती है, तो आपको 7:15 पर क्लास में आना है। ठीक है, चलो काफी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बाकी स्टूडेंट आते रहेंगे, हम ने अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम बात करें इलेक्ट्रिक डायपोल का मीन क्या है। ठीक है, ये कैसे वर्क करता है हम बात करें, और ये कितना फील्ड जनरेट कर रहा है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है। ठीक है, तो यहां बात करें इलेक्ट्रिक का मतलब किससे बेटा, चार्ज से। किससे है? चार्ज से। और डायपोल का मतलब ड्यूअल चार्ज। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या हो गया, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, बोथ आर सेपरेटेड एट स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, तो देखिए हम बात करें ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो इक्वल चार्जेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है, बट नेचर क्या है उनका, अपोजिट है। तो अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो सिस्टम कितने पर है, सो कोई भी सपोज करो सेपरेशन कितना मान लिया हमने, 2D कंसीडर कर लिया, ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर हुआ यहां तक? तो क्या हुआ हमारे पास है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डायपोल को जब मेंशन करेंगे तो कैसे मेंशन करेंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम डिनोट करेंगे किससे, ए बी प्लस माइनस क्यू कॉमा टू ए, ए बी प्लस माइनस क्यू कॉमा टू ए। अच्छा प्लस माइनस क्यू का मतलब मीन तो समझ में आ गया होगा आपको बेटा, दैट मीन दो चार्जेस हमारे पास हैं, एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हुआ? एंड टू ए क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम, उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमारे पास है। अच्छा माइंड में हमारे पास ये आता है, सर डिस्टेंस आपने जो है वो 2a ही कंसिडर क्यों किया, हम r, d, b ऐसे तो या ab तो कंसिडर कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है, हम ab कंसिडर कर सकते हैं, db कंसिडर कर सकते हैं, बट हमने ड्यूल इसलिए लिया है बेटा कि जब भी हम आगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो डिस्टेंस कहां से करेंगे, डायपोल के सेंटर पॉइंट से। कहां से करेंगे, डायपोल के सेंटर पॉइंट से। क्लियर हो यहां तक? जब डायपोल के सेंटर पॉइंट से इससे मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए। कब, जब मैं कितना डिस्टेंस कंसिडर कर रहा हूं, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो है हम 2a कंसिडर कर रहे हैं तब। ठीक है, क्लियर हो यहां तक? अदरवाइज अगर ये आंसर ए कंसिडर करते हैं तो, अरे ए कंसिडर करते हैं कितना हो जाएगा, ए बाई टू का। बस कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हमने क्या किया, इसको डबल किया है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है हमारे पास कि भाई हम उसको 2a ही कंसिडर करेंगे हमेशा या a ही कंसिडर करेंगे। क्लियर यहां तक? चलो, तो ये तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, तो देखिए किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, द डायपोल मोमेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक डायपोल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, उसका चार्ज हम यूज करें और उन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उन दोनों के मल्टीप्लाई, या फिर हम बात करें प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, डायपोल मोमेंट। क्लियर है यहां तक? तो देखिए, तो यहां बात करेंगे मेरे पास क्या हुआ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, पी वेक्टर से। इसको डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं, पी वेक्टर से। अच्छा ठीक है, और मैग्नीट्यूड हमने क्या बोला, डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो हम बात करें चार्ज कितना बेटा, यहां देखिए डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं, चार्ज कितना बेटा, नेगेटिव क्यू या पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड लेना है मुझे, तो क्या लेंगे हम यहां, क्यू इनटू डिस्टेंस। देखिए दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बताओ, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा, 2a, कितना है
टू ए, वेरी गुड। कितना हो जाएगा मेरे पास ये टू ए क्यू, कितना हो गया बेटा टू ए क्यू, क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगी बेटा? तो देखिए यूनिट क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हमारे पास है, चार्ज इंटू डिस्टेंस, क्या है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो मेरे पास क्या हो गया, चार्ज का यूनिट क्या हो गया कूलम्ब, क्या हो गया कूलम्ब, एंड डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसमें बेटा, मीटर में, किसमें करते हैं मीटर में, तो क्या हो जाएगा कूलम्ब इंटू मीटर, क्लियर हो यहां तक? यूनिट क्या हो जाएगी कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक है ना। अभी थोड़ी पहले बात की ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। अब बेटा अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब बात इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन की हम बात करें, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है नेगेटिव क्यू चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जैसे हम बात करें इस डायपोल एबी डायपोल की बात करें, इस डायपोल एबी की बात करते हैं हम, इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, फटाफट रिप्लाई कीजिए। डायपोल जो गिवन है आपको एबी गिवन है यहां सामने, यहां बात करेंगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए, वेरी गुड, क्या आ रहा है ए टू बी, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा ए टू बी, ये हो गया हमारे पास डायपोल, क्लियर है यहां तक? ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए कुछ एग्जांपल हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास आता है इफ टू चार्जेस, इफ टू चार्जेस क्यू ए इक्वल टू थ्री इंटेंटिव माइनस सिक्स कूलम्ब, ठीक है, एंड क्यू बी इक्वल टू माइनस थ्री इंटेंटिव माइनस सिक्स कूलम्ब आर लोकेटेड एट 0.0-15 सेंटीमीटर एंड 0.0+15 सेंटीमीटर, रेस्पेक्टिवली, देन कैलकुलेट टोटल चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ डायपोल, ठीक है। क्वेश्चन क्या हमारे पास है, दो चार्जेस हमारे पास गिवन है, एक तो प्लस थ्री इंटू रेडियो माइनस सिक्स कूलम, सेकेंड हमारे पास है माइनस थ्री इंटू रेडियो माइनस सिक्स कूलम, इनका पोजीशन क्या गिवन है बेटा, कहां लोकेटेड है, फर्स्ट वो कहां लोकेटेड है, 0.0-15, 0.0-15 दैट मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, जेड एक्सिस पर है, ठीक है। तो क्यू ए जो चार्ज है कार्रवाई कर रहा है बेटा जेड एक्सिस पर, नेगेटिव जेड एक्सिस पर, सॉरी। सेकंड हम बात करेंगे क्यू बी कार्रवाई कर रहा है बेटा 0.0+15, ठीक है, तो यहां का है पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है। चलो क्वेश्चन क्या बताया, रेस्पेक्टिवली हमारा क्वेश्चन है, देन कैलकुलेट द टोटल चार्ज। देखिए बेटा टोटल चार्ज की बात करते हैं, तो टोटल चार्ज हमारे पास क्या हो गया, टोटल चार्ज हमारे पास हो गया क्यू इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, कितना होगा क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए का थ्री इंटेंटिव माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटेंटिव माइनस सिक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा जीरो, नेट चार्ज कितना हो जाएगा जीरो, क्लियर है। नाउ सेकेंड हम बात करते हैं हमारे पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, चलो डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट चार्ज क्या होता है, डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं किसे, पी से, फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज इंटू सेपरेशन, चार्ज कितना है क्यू। अब हम बात करें सेपरेशन की टू ए, ठीक है, सेपरेशन हम किसे डिनोट कर रहे थे टू ए से। अब देखिए यहां इसकी पोजीशन देखो,
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या हमारे पास जेड एक्सिस। इमेजिन करना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और ये क्या है जेड एक्सिस है। तो यहां बात करेंगे, देखिए नेगेटिव जेड होगा। तो देखो हम बात करें क्यू ए चार्ज का पोजीशन कहां पर होगा, नेगेटिव एक्सिस पर। ये कहां पर होगा, नेगेटिव एक्सिस पर। कितना, माइनस 15 डिस्टेंस ओरिजिन से, माइनस 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। नाउ क्यू बी की पोजीशन कहां पर बेटा, 15 सेंटीमीटर पर। ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, अगेन क्यू बी। ये क्या है, क्यू ए, क्लियर हुआ। अब बताओ दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना होगा, दोनों चार्जेस क्यू ए क्यू बी के बीच का सेपरेशन कितना होगा, कितना होगा, वेरी गुड। कितना रहा है, 30 सेंटीमीटर। कितना रहा है, 30 सेंटीमीटर। तो यहां देखिए डायरेक्ट मोमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज कितना बेटा मेरे पास, 3 इंटू 30 और माइनस 6 इंटू, सेपरेशन कितना है, 15 प्लस 15 कितना हुआ, 30। अब देखो बेटा ये 30 का जो वैल्यू है वो ए नहीं है, वो तो किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है। यहां मैं करूं 30 सेंटीमीटर 20 और माइनस 2 मीटर, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। 3 3 9 इंटू 20 और माइनस 7 कूलम इंटू मीटर। ये तो हो गया डायपोल मोमेंट, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ अब बात आ रही है डायरेक्शन की। तो देखिए क्यू बी कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये तो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और क्यू ए क्या है, सर पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, फटाफट बताइए। ये तो कंफर्म है जेड एक्सिस के अलोंग होगी, कंफर्म है। अब आपको बताना है यहां जो हम यूज करेंगे केकेप यूज करेंगे और माइनस केकेप यूज करेंगे, केकेप और माइनस केकेप क्या यूज करेंगे बेटा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल। फटाफट रिप्लाई कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्शन ऑफ डायपोल एबी क्या होगा, फटाफट बताइए डायरेक्शन ऑफ डायपोल। वेरी गुड, कितना आ रहा है, माइनस केकेप, कितना रहा है, माइनस केकेप। रीजन देखो कैसे, अरे सर ये नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यही हुआ। और डायपोल मोमेंट डायरेक्शन कहती है हमारे पास फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है अंदर, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, माइनस जेड एक्सिस के लोग, ये क्या हो जाएगा, माइनस केकेप, ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक। ये डायरेक्शन क्या होगी, माइनस केकेप। फटाफट स्क्रीन शॉट लीजिए बेटा इसका, ओके डन, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा इसके ऊपर, हमारे पास है कुछ इस टाइप से, देर आर थ्री चार्जेस माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस या लोकेटेड अलोंग ए लाइन एट इक्वल सेपरेशन, एट इक्वल सेपरेशन स्मॉल डी, ठीक है। यहां हमने बात की पॉइंट ए बी एंड सी। देखिए देर आर थ्री चार्जेस, आई रिपीट, माइनस क्यू प्लस थ्री क्यू एंड माइनस टू क्यू आर लोकेटेड अलोंग ए लाइन एट इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, या इक्वल सेपरेशन। फाइंड आउट डायपोल मोमेंट, फाइंड आउट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहां से देखना बेटा, इस चार्ज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, पॉइंट ए बी एंड सी, प्लस क्यू एंड प्लस टू क्यू, ठीक है। अरे प्लस थ्री क्यू कैन बी राइट बेटा, प्लस क्यू एंड प्लस टू क्यू। नाउ सी का क्या है, माइनस टू क्यू, ये स्मॉल डी है, इट्स ऑल्सो बी स्मॉल डी, क्लियर है यहां तक, चलो ठीक है। नाउ देखिए इस टाइप से हमारे पास देखा जाए तो कितने डायपोल है हमारे पास, देर आर टू डायपोल्स, फर्स्ट ए बी एंड सेकेंड
बीसी। तो दो डायपोल हैं तो बेटा उनके डायपोल मोमेंट भी क्या होंगे, दो ही होंगे। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं डायपोल की बात करें। फर्स्ट डायपोल की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल एबी। फटाफट बताइए एबी डायपोल जो हमारे पास है उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। एबी हम बात करेंगे, ए पर तो क्या है नेगेटिव क्यू चार्ज है, बी पर क्या है पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो बताइए इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा एंड डायरेक्शन क्या होगी, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे जल्दी से कि डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल एबी कितना होगा। उसको हमने कंसिडर किया कितना, पी वन। फटाफट बताइए डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल एबी, वेरी गुड, कितना रहा है, अरे चार्ज इनटू सेपरेशन है, चार्ज कितना बेटा हमारे पास क्यू और सेपरेशन कितना बेटा स्मॉल डी, तो डायपोल मोमेंट कितना हो गया बेटा क्यू इंटू डी, कितना हो गया क्यू इंटू डी। अब बताइए डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन में क्या बोला था, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट अलोंग द फ्रॉम नेगेटिव क्यू चार्ज टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो देखिए नेगेटिव कहां है, ए पॉइंट पर है, पॉजिटिव कहां है बी पॉइंट पर है, दैट मीन्स ए टू बी, क्लियर हो यहां तक, ए टू बी ऐसे दइए। नेक्स्ट देखो फटाफट नेक्स्ट का आंसर रिप्लाई करो, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल बीसी, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे बीसी डायपोल मोमेंट या फिर बीसी डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होगा, फटाफट बताइए। फॉर्मूला वही है, चार्ज इनटू डिस्टेंस और सेपरेशन, इसको मैं पी टू वेक्टर से नोट कर रहा हूं। ये मेरे पास हो गया पी वन वेक्टर, आवड़ा बताइए कितना होगा, वेरी गुड, चार्ज कितना देखो बी और सी में देखिए चार्ज कितना है टू क्यू, कितना है टू क्यू, डिस्टेंस कितनी है अगेन डी, तो टू क्यू डी, क्लियर है यहां तक। अच्छा ठीक है नेक्स्ट बताइए हमारे पास है कि इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल बीसी क्या होगा, नेगेटिव टू दो पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यानी दैट मीन्स सी टू बी, इस बी पॉइंट पर जो डायपोल मोमेंट वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी पी टू है, क्लियर हुआ, यहां से बात करेंगे सी टू बी। अब देखिए मेरे पास दो डायपोल वर्क कर रहे हैं पी वन एंड पी टू, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड एक का तो मैग्नीट्यूड कितना है क्यू डी, सेकेंड वाला मैग्नीट्यूड कितना है टू क्यू डी, बट डायरेक्शन क्या है सेम है या अपोजिट है, सर अपोजिट है, क्या है अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन में दो वेक्टर क्वांटिटी वर्क करती हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है उन दोनों के सम के इक्वल, किसे डिपेंड करते हैं दोनों के सम के इक्वल। बट अब बात करें यहां दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, क्या है अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, तो बताइए रिजल्टेंट क्या होगा, वेरी गुड, कितना होगा सबट्रैक्शन के इक्वल। देखिए पी टू का कितना है टू क्यू डी, यहां कितना है क्यू इंटू डी, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है सर पी टू का ज्यादा है, ठीक है, तो इफेक्टिव बात करेंगे पी नेट जो होगा मेरे पास वो कितना होगा टू क्यू सॉरी टू क्यू डी माइनस क्यू डी, टू क्यू डी माइनस क्यू डी कितना हुआ क्यू इंटू डी, कितना हो गया क्यू इंटू डी। अब बताओ डायरेक्शन, अरे सर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन उसी की अलोंग होगी, दैट मीन्स सी टू बी बोलो या सी टू ए कह दे सी टू बी, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
देन कैलकुलेट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, देर आर थ्री चार्जेस प्लस टू क्यू क्यू एंड क्यू सॉरी माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट सॉरी देन कैलकुलेट डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, यहां हमारे पास गिवन है साइड ऑफ ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल कितना बेटा एल, ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास हुआ ए बी एंड सी, ए का वैल्यू दिखा है प्लस टू क्यू, बी का वैल्यू दिखा हमारे पास है माइनस क्यू एंड सी ऑल्सो भी माइनस क्यू। क्लियर हुआ, एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल कितना गिवन बेटा एल। क्लियर यहां तक? ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट ऑफ ए गिवन सिस्टम। ठीक है, तो फटाफट देखिए हमें पहले ये देखना है हमारे पास कितने डायपोल यहां बात करेंगे एग्जिस्ट करें, कितने डायपोल्स हमारे पास हैं। तो देखो बेटा यहां पॉइंट ए पर हमारे पास कितना है प्लस टू क्यू चार्ज है, क्या मैं इसको ऐसे राइट कर सकता हूं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। क्लियर हुआ तक? कितना जाएगा माइनस क्यू एंड माइनस क्यू हो गया हमारे पास है, वो किसकी इक्वल सॉरी प्लस क्यू एंड प्लस क्यू सॉरी बेटा कितना जाएगा प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है यहां तक? चलो अब फटाफट बताइए कितने डायपोल हमारे पास यहां, वेरी गुड, कितने हैं सर दो डायपोल्स यहां वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से डायपोल बेटा, एक तो हो गया बी ए या ए बी, सेकेंड डायपोल कौन सा बेटा हमारे पास है ए सी, कौन सा है ए सी। क्लियर हुआ, तो देखो तो हम यहां बात करेंगे डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल, कौन सा डायपोल सर ए बी या बी ए कैलकुलेट कर ले हम, इसको हमने बोल दिया ए बी, पी वन वेक्टर, फटाफट बताओ उससे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी, डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल ए बी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए ए बी जो डायपोल हमारे पास है ए बी या बी जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। वेरी गुड, कितना रहा है देखिए चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितनी है एल, कितनी है एल, तो कितना जाएगा क्यू इंटू एल, और डायरेक्शन हमारे पास क्या रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यही हुआ नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स बी टू ए। क्लियर यहां तक? फटाफट बताओ सिमिलरली सेकेंड डायपोल जो हमारे पास है ए सी, ए सी के लिए कमेंट करके बताइए फटाफट पी टू वैक्टर कितना होगा, ए सी के लिए कमेंट करके बताइए फटाफट पी टू डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेरी गुड, कितना आ रहा है अगेन सर क्यू इंटू एल, डायरेक्शन क्या हो रही है सी टू ए, क्या रही है सी टू ए। ठीक है, क्लियर हुआ, तो देखो इसी टाइप से हमारे बात कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल में हमारे कितने डायपोल बढ़ रहे हैं बेटा दो डायपोल्स बन रहे हैं और उनकी डायरेक्शन हमारे पास दे रखी है एक तो पी वन के अलोंग और एक पी टू के अलोंग, तो देखिए उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो हो गया पी वन वेक्टर और ये क्या हमारे पास है पी टू वेक्टर, इट्स ए बी एंड सी। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए यहां से पी वन और पी टू की बात करें तो बेटा मैग्नीट्यूड क्या है, पी वन और पी टू का मैग्नीट्यूड क्या है इक्वल है। ठीक है, कितना है सर क्यू इंटू एल है। ठीक है, अब हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, पी नेट जो होगा वो कैसे डिफाइन करेंगे हम सर वेक्टर सम से, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम से पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर, पी वन वेक्टर प्लस पी टू वेक्टर। क्लियर है यहां तक? अच्छा ठीक है, अब देखो यहां से हमने बात की कि दो वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास है कितने एंगल पर थीटा, कितने एंगल पर थीटा एंगल पर वर्क कर रही है और हमें पता है थीटा का वैल्यू क्या होगा, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये भी थीटा होगा, इट्स ऑल्सो भी थीटा एंड दिस ऑल्सो भी थीटा, कितना हो गया वेरी गुड कितना डिग्री 60 डिग्री, कितना रहा है 60 डिग्री। अब बताइए दो वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास हैं, दो आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज हैं 60 डिग्री पर वर्क कर रही हैं, तो बताइए रिजल्टेंट कितने टाइम्स होगा, ऐसा ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं पी वन एंड पी टू जो हमारे पास हैं कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर वर्क कर रही हैं, तो रिजल्टेंट कितने टाइम्स आएगा, रिजल्टेंट कितने टाइम्स होगा फटाफट बताइए बेटा,
इफ टू आइडेंटिकल वेक्टर क्वांटिटीज आर वर्किंग एट अ पॉइंट एट एन एंगल 60 डिग्री देन व्हाट शुड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पी वन और पी टू कितना होगा. वेरी गुड. कितना रहा है? रूट थ्री टाइम्स. कितना रहा है? रूट थ्री टाइम्स. अब पी वन ले लो या पी टू ले लो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है. ये लो सर, ये हो गया सर हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड. कितना होगा? रूट थ्री इंटू क्यू इंटू एल कुलाम इंटू मीटर. क्लियर है यहां तक? ठीक है. आई थिंक इस टाइप से आप क्या करते हो, किसी भी सिस्टम का मात्र डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं आगे. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल. डायपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है? देखिए हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल. तो देखिए हमारे पास ये है, ये को डायपोल है हमारे पास ए बी माइनस क्यू इज प्लेस एट पॉइंट ए एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस एट पॉइंट बी. ये होगा सेंटर पॉइंट. सेंटर से ए का डिस्टेंस स्मॉल ए और बी का भी कितना है? स्मॉल ए. तो यहां बात करेंगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस करेगा. तो हम बात करेंगे जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल की बात करेंगे, उसका पोजीशन कहां पॉसिबल है. ठीक है, वो कहां एग्जिस्ट कर सकता है? सर एक तो एग्जिस्ट कर सकता है एक्सियल लाइन पर. ये कोई पॉइंट आ रहा है हमारे पास है. ठीक है, एक्सियल लाइन क्या होती है? द जॉइनिंग लाइन ऑफ बोथ चार्जेस इन डायपोल. ठीक है, डायपोल के दोनों चार्जेस को जो कनेक्टिंग लाइन है दैट्स नोन एज एक्सियल लाइन. ठीक है, तो एक्सियल लाइन हमें यहां पर ये भी तो हो सकता है. बिल्कुल सर हो सकता है. नेक्स्ट सेकेंड पोजिशन कहां हो सकती है? पॉइंट आर का सेकेंड पोजिशन पॉसिबल है. ये तो क्या एक्सियल. सेकेंड हम बात करें इक्विटोरियल पर. कहां पर है? इक्विटोरियल पर. ठीक है, और थर्ड कहां हो सकती है हमारे पास है? कोई भी जनरल पॉइंट थीटा एंगल पर. तो इस टाइप से हमारे पास है पॉइंट पी का जो सॉरी पॉइंट आर के जो पोजीशन है हमारे पास है कहां एग्जिस्ट कर सकती है? सर एक्सियल पर भी हो सकता है हमारे पास है, इक्विटोरियल पर पॉसिबल है, और थर्ड हमारे पास कहां पर है? कोई भी जनरल पॉइंट जो एक्सियल लाइन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है. क्लियर है यहां तक? तो हम वन बाय वन हम पहले बात करेंगे एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे इक्विटोरियल लाइन पर कितना होगा, और थर्ड हम जो डिस्कस करेंगे कहां पर जनरल पॉइंट हमारे पास है जो कितना एंगल फॉर्म करेगा थीटा एंगल पर कितना होगा. ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एक्सियल पॉइंट पर. ठीक है, क्या हो गया हमारे पास एक्सियल पॉइंट पर. फर्स्ट टॉपिक हम लिख रहे हैं ए एक्सियल पॉइंट आर. ठीक है, तो कोई आर पॉइंट है जो कहां पर है उसके एक्सियल पॉइंट पर हमारे पास है, एक्सियल लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है नाउ, और उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना बेटा? स्मॉल आर. ठीक है, क्लियर है यहां तक? कंसिडर ए इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विच कंटेन पॉजिटिव नेगेटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट ए पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट बी. ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज 2a. वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल एट एक्सियल लाइन. क्लियर हुआ? चलो ठीक है, तो पहले हम बात करें इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा. डायपोल मोमेंट पी वेक्टर बताइए फटाफट बेटा. इस डायपोल एबी का डायपोल मोमेंट कितना होगा? कितना होगा सर? नेगेटिव टू पॉजिटिव हमारे पास होता है डायरेक्शन दो, और मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस. तो देखिए दोनों चार्ज के डिस्टेंस कितना हुआ? टू ए क्यू इंटू टू ए कूलम इंटू मीटर ए टू बी. क्लियर है यहां तक? ए टू बी. चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो पॉइंट आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा डायपोल जो है वहां बात करेंगे, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज
तो पॉजिटिव चार्ज है जिसे निकाल लो कितनी है सर, कितनी है हमारे पास है, देखो ये डिस्टेंस कितनी है बेटा आर, सेंटर से आर का डिस्टेंस कितना है स्मॉल आर, सेंटर से बी का डिस्टेंस कितना है स्मॉल ए। अब बताइए बी से आर का डिस्टेंस कितना होगा आर माइनस ए, वेरी गुड, कितना होगा आर माइनस ए। ऐसे फटाफट बताइए द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड आर पॉइंट, ए एंड आर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस कितना टोटल आर, ये कितना बेटा ए, ये डिस्टेंस कितना बेटा आर प्लस ए, क्लियर हुआ तक, ठीक है। चलो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव की चार्ज पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना होगा ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, हमने क्या कंसीडर किया ई वन वेक्टर, कितना कंसीडर किया है ई वन वेक्टर, तो फटाफट देखिए कितना होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो फटाफट कमेंट करके बताइए ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज क्या है आर माइनस ए डिस्टेंस पर जो हमारे पास पॉइंट है कैपिटल आर, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट कैपिटल आर एट आर माइनस ए डिस्टेंस, तो फॉर्मूला क्या हुआ सर के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्शन में बात करें किधर होगी आउटवर्ड या इनवर्ड, अरे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड, किधर होती है आउटवर्ड, वेरी गुड बेटा, ये कितना हुआ ई वन वेक्टर, ठीक है, ये आर के कंसीडर कर लूं, आर के का मतलब आउटवर्ड है, ठीक है। चलो ऐसे मत करें ड्यू टू नेगेटिव की चार्ज कितना होगा, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना होगा बेटा बताइए, तो नेगेटिव क्यू चार्ज से देखो डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा आर प्लस ए, कितना हो जाएगा आर प्लस ए, तो यहां बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई टू वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखिए मैग्नीट्यूड तो अभी कितना है इक्वल क्यू ही है, पहले भी क्यू था अभी क्यू है, बट अभी कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, क्या है नेगेटिव चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन होगी सर इधर यहां पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड, तो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगी हमारे पास किधर होगी, वेरी गुड इनवर्ड, किधर हो रही है इनवर्ड, तो यहां मैं बोल दू माइनस आर की यही हुआ। चलो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे हम, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन पॉइंट इट डिफाइन इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना हो गया ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर, ठीक है। नाउ अब बात करें तो ई वेक्टर का वैल्यू कितना हो रहा है, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में पास है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ यहां तक, सोल्व करो बेटा इसको, के क्यू हमारे पास कॉमन आ रहा है वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब यहां एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, एलसीएम दोनों को एलसीएम ले लिए, देखिए जब भी एलसीएम अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं दोनों को प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, वही हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, तो यहां हमारे पास एलसीएम क्या रहा है आर माइनस ए का होल स्क्वायर डॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए आर माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, क्या होगा हमारे पास आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्लियर है यहां तक। चलो ठीक है अब सोल्व करते हैं इसको आगे,
टी इक्वल टू के एल क्यू एच डी रहेगा हमारे पास। नाउ देखिए इन दोनों का एलसीएम आ रहा है मेरे पास है, देखिए यहां से क्या स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, यहां स्क्वायर दोनों कॉमन निकाल लें, ये इस टाइप से होगा आर माइनस ए डॉट आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? चलो ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसको सोल्व कैसे करें। एक मेथड तो क्या है आपके पास कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को एक्सटेंड करने से हम सोल्व कर लें, और इसे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से सोल्व कर लें। क्लियर हुआ? या सेकेंड मेथड हम क्या लगा सकते हैं, इसको अगर आप पूरी क्वांटिटी आर प्लस ए को कैपिटल ए कंसिडर कर लो, आर प्लस ए को क्या कर लें कैपिटल ए कंसिडर कर लें, तो आर माइनस ए को क्या कंसिडर कर लें बी। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आर प्लस ए को कैपिटल ए कंसिडर कर लो और आर माइनस ए क्या हो जाएगा आपके पास बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, क्या होगा बेटा हमारे पास ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। क्लियर हुआ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी। एक बार इन दोनों को हम एड कर देंगे, सेकेंड टाइम डॉट करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आर प्लस ए प्लस आर माइनस ए डॉट, हमारे पास क्या होगा आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए। ठीक है, अब देखो यहां से ए से कैंसिल आउट हो गया या आर से आर कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है अंदर? ई का वैल्यू कितना आ रहा बेटा हमारे पास के क्यू आर प्लस आर, आर प्लस आर कितना हुआ 2R, कितना हुआ 2R, A प्लस ए वेरी गुड कितना आ रहा है 2A अपॉन, देखिए बेटा ध्यान से देखना A माइनस बी ए प्लस बी यानी R माइनस ए R माइनस R प्लस ए का डॉट क्या होगा बेटा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए यहां से देखो ये q इंटू टू ए क्या आ रहा है हमारे पास डायपोल मोमेंट, q इंटू टू ए क्या हो गया डायपोल मोमेंट, तो यहां मेरे पास कितना हो जाएगा e कैन राइट बेटा के पी इंटू टू आर बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये लो ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें एक स्पेशल केस लगा लेते हम, क्या जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गया केपी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर तो क्या है सेंटर से आर का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पी डायपोल मोमेंट है हमारे पास, के कांस्टेंट 1/4 ε0 एंड ए क्या है सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस, सेंटर से चार्ज ए बोला हमने यहां टू ए नहीं, टू ए होता तो क्या होता दोनों चार्ज के सेपरेशन हो गया, यहां कितना है सेंटर से चार्ज का डिस्टेंस। क्लियर है यहां तक? अब देखिए हमने क्या कंडीशन लगा दी ए स्मॉल आर इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू ए, ठीक है स्मॉल आर का वैल्यू एक कंपनी बहुत लार्ज है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली जाएगा कितना आर स्क्वायर, ठीक है कितना जाएगा तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या कितना बेटा आर स्क्वायर उसका भी स्क्वायर है तो क्या हो गया E इक्वल टू के पी टू आर बाई आर टू दी पावर 4, एक बार कैंसिल हो गई कितना हो गया 2 के पी बाई आर क्यूब, ठीक है 2 के पी बाई आर क्यूब। अब डायरेक्शन देखिए इसकी डायरेक्शन आ रही है आउटवर्ड, अरे पॉजिटिव चार्ज को हमने क्या किया इफेक्टिवली कंसिडर किया हमने, ठीक है किधर आ रही है आउटवर्ड। अब बात आ रही है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताइए किधर है, सर डायपोल मोमेंट डायरेक्शन होती है ए टू बी ए टू बी ए टू बी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही आ रही है दैट मीन हम बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है इट मीन्स वी कैन राइट ई वेक्टर इज इक्वल टू टू के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यू। क्लियर हुआ तक? इस टाइप से अगर आपके पास डायपोल मोमेंट अगर वो गिवन है तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या देगा 2 के पी अपॉन आर क्यू, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अलावा होगी डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। ठीक है क्लियर है तक? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका।
ओके डन। नेक्स्ट देखिए, देखिए अब तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए कंसिडर ए डायपोल ए बी, ए विच कंटेन माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज एट पॉइंट बी एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस गिवन टू ए, ये लो ठीक है। तक वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये लो। तो पॉइंट आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, सर नेगेटिव चार्ज भी करेगा पॉजिटिव चार्ज भी करेगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहां से ये लो, ये रिश्ते कितना होगा बेटा फटाफट बताइए, ये राइट एंगल हमारे पास है तो आर और बी का रिश्ते कितना होगा, वेरी गुड कितना है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इट्स ऑल्सो भी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है अंदर। चलो तो यहां से हम बात करें पहले डायपोल मोमेंट निकाल लें, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर इक्वल टू कितना होगा सर, अगेन हमारे पास वही होगा q इंटू टू ए, बट नाउ डिस्टेंस की बात करें तो क्या होगी a टू b, डिस्टेंस क्या होगी a टू b, क्लियर है अंदर। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट r ड्यू टू, पहले बात करें नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू चार्ज कितना होगा, वही अगेन हम बात करें पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज आपके पास है डिस्टेंस भी ऑलरेडी आपके पास है ठीक है, फॉर्मूला बोलो फटाफट, ई वन वेक्टर कंसिडर कर लें, ई वन वेक्टर कितना होगा के क्यू अपॉन इसका स्क्वायर, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्शन बोलिए बेटा बिकॉज वी नो दैट ये क्या है नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है इनवर्ड और आउटवर्ड, फटाफट कमेंट कर बताइए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉइंट आर पर इनवर्ड होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी आर टू ए और ए टू आर, वेरी गुड इधर ये आर टू ए, ये ई वन वेक्टर हो गया ठीक है, क्या लिखते हैं हम आर टू ए। चलो दस दें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव की चार्ज, फटाफट बताइए ई टू वेक्टर अगेन वही होगा कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट डायरेक्शन देखिए ये कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है बेटा पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, यहां बात करें अवे फ्रॉम द चार्ज, क्लियर हो यहां तक ठीक है। तो ये हो जाएगा बी टू आर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया हमने ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या क्लियर है, हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इट्स क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वन वैक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ई टू वैक्टर के, कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर हुआ यहां तक ठीक है। अब देखिए यहां हमारे पास है दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सॉरी इक्वल मैग्नीट्यूड की दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उन्हें ऐड करना है,
अगर हमारे पास ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली ऐड कर देते। अपोजिट में होते तो क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट करते हैं। पर ना तो ये सब डायरेक्ट क्या है, सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट में, तो उनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, सब कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा, ये हमने क्या किया है, थीटा कंसिडर किया। सपोज दैट ये कितना है थीटा, तो ये इक्वल ट्राइंगल हमारे पास है, दैट मीन इट्स ऑल्सो बी थीटा, ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा हमारे पास है, तो देखिए ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर नाउ, अब बात करते हैं ई वन बी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करेगा, ऑल्सो थीटा। ठीक है, रीजन, अरे भाई जेड शेप में बन रहे हैं और जेड शेप में अल्टरनेटिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब कॉम्पोनेंट रिजोल्व करो, तो ई टू को तो कॉम्पोनेंट रिजोल्व करेंगे, एक तो आएगा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट, एक आएगा वर्टिकल में। तो फटाफट बताइए हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट किसमें आएगा, कॉस और साइन। हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट किसमें आएगा, कॉस और साइन, वेरी गुड, कॉस थीटा। बेटा जैसे कि हम जानते हैं जो कॉम्पोनेंट हमारे पास किसके एंगल के साथ या एंगल फॉर्म करता है हमारा, वो कॉस की फॉर्म में आएगा और अपोजिट राइट एंगल पर साइन की फॉर्म में आएगा। तो ये जाएगा ई टू कॉस थीटा, ई टू साइन थीटा, इसी का कॉम्पोनेंट हो गया ये ई वन कॉस थीटा, ई वन साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहां बेटा, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ई वन कॉस थीटा एंड ई टू कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में, और वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो हमारे पास है ई टू साइन थीटा ई वन साइन थीटा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, वर्टिकल कॉम्पोनेंट तो क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन के कारण एड हो जाएंगे। क्लियर हो यहां तक, अब देखिए यहां से, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर, वो कितना होगा, ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर। जब इनको कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करेंगे हम, तो क्या लिखेंगे हम यहां, वर्टिकल कॉम्पोनेंट आर कैंसिल टू ईच अदर ड्यू टू सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन कारण क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। तो यहां से क्या होगा, ई टू साइन थीटा ई वन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाए। ई को क्या राइट करेंगे बेटा हम, ई वन कॉस थीटा प्लस ई वन कॉस, सॉरी ई टू कॉस थीटा, या तो आप इसको क्या लिखोगे, टू ई वन कॉस थीटा। अरे भाई, या तो ई वन को ई टू से रिप्लेस कर दो या ई टू को ई वन से रिप्लेस कर दो। ई का वैल्यू कितना होगा, टू ई वन कॉस थीटा और टू ई टू कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक, अब देखिए ई वन ई टू का वैल्यू पुट कर दो फटाफट, टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा कहां से लाएंगे हम, देखिए ट्राइंगल हमारे पास कौन सा है, आर ओ बी हमारे पास है, आर ओ बी। ठीक है, तो आर ओ बी ट्राइंगल की बात करेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो क्या है हमारे पास, ए, हाइपोटेनियस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या है हमारे पास, टू क्यू ए, वेरी गुड, डायपोल मोमेंट, तो दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, के पी अपॉन, देखिए अब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां कितनी पावर बेटा, वन, यहां कितनी पावर है, हाफ, तो टोटल कितना हो जाएगा, वन एंड हाफ, तो कितनी पावर होगी बेटा, थ्री बाई टू। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारे पास किस, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे इक्वेटोरियल लाइन पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, यहां केस हम बात कर रहे हैं अगेन, सपोज दैट इफ स्मॉल आर इज लार्ज कंपेयर टू ए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अगर ऐसा हमारे पास है तो हम बात करेंगे ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, के पी अपॉन, फटाफट बताइए, आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू आर क्यूब, वेरी गुड, कितना देगा, आर क्यूब। अरे ठीक है, अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा मेरे पास, सर देखिए डायपोल मोमेंट डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव क्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज, बट यहां रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसके अपोजिट में। तो यहां बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब।
माइनस के पी वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब। क्लियर हो यहां तक? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां से, ये तो क्लियर हो गया हमारे पास कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, ये एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टू के पी अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आ रहा बेटा हमारे पास, माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो क्या क्लियर हुआ यहां से कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जस्ट डबल होता है किसके, इक्वेटोरियल लाइन के, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ग्राफ की, तो दोनों ही केसेस में बात करें, ई प्रोपोर्शनल कितना है, वन अपॉन आर क्यूब, ई प्रोपोर्शनल कितना है, वन अपॉन आर क्यूब। यहां मेरे पास ग्राफ क्या हो जाएगा, ई है एंड दिस आर। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, ये हो जाएगा ई प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट देखिए फटाफट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है ए जनरल पॉइंट। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जो हम बात करें जिसकी कारण जो एक्सियल लाइन के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो हमारे पास, कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी विच कंटेन माइनस क्यू चार्ज पॉइंट ए एंड पॉजिटिव क्यू चार्ज पॉइंट बी। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अब देखिए, अगर मैं कहूं आपसे कि भाई किसी भी डायपोल का अगर आपको डायपोल मोमेंट गिवन है, डायपोल मोमेंट गिवन है, ठीक है, और आपको उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा सर, टू के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर हुआ? और अगर आपको ये बोल दिया डायपोल मोमेंट गिवन है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर सर मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर है यहां तक? अब देखिए यहां से, ऐसे हमने कहा ये पॉइंट आर है या आर डिस्टेंस है मान लो, जो कि कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, ये केपलर पॉइंट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं ए बी वेक्टर का डायपोल मोमेंट क्या होगा, ये पी वेक्टर है। क्लियर है यहां तक भाई, ए बी जो डायपोल है उसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी वेक्टर है। अब हम बात करें आर पॉइंट जो हमारे पास है, ना तो सर पी वेक्टर के एक्सियल पॉइंट पर है और ना ही इक्विटोरियल लाइन पर है, तो क्या करेंगे हम, तो उसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस पी वेक्टर को कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। तो हम बात करें, एक कंपोनेंट तो होगा वो होगा पी कॉस थीटा, क्या होगा, पी कॉस थीटा, एंड सेकंड कंपोनेंट जो हमारे पास होगा होगा पी साइन थीटा। ठीक है, देखिए बेटा यहां हमारे पास क्या है, P cos थीटा तो क्या है, पैरेलल है किसके, ओ आर के। ठीक है, और P sin थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर किसके, ओ आर के। क्लियर हो यहां तक? तो P cos थीटा क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, ओ आर के, और P sin थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर किसके, ओ आर के। तो यहां हम बात करेंगे, अभी यहां मैं P वेक्टर को कंसिडर नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, P cos थीटा और P sin थीटा की। तो P cos थीटा डायपोल मोमेंट है, उसके लिए पॉइंट R कहां पर हुआ बेटा, एक्सियल लाइन पर, कहां पर हुआ, एक्सियल लाइन पर। और ऐसे हम बात करेंगे तो P sin थीटा के लिए पॉइंट R कहां एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इक्वेटोरियल लाइन पर, कहां पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। यहां मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P cos थीटा कितना होगा, ड्यू टू पी cos थीटा की बात करें हमारे पास है, तो क्या हो गया हमारे पास है, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वन वेक्टर कंसीडर कर लें, एक्सियल लाइन पर फॉर्मूला क्या होता है, टू के पी अपॉन आर क्यू। तो टू के पी, अब देखिए टी की जगह रिप्लेस करूंगा किससे, पी cos थीटा से अपॉन आर क्यू। क्लियर हो यहां तक?
और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है क्या होती है, डायपोल मोमेंट के अलोंग। तो देखिए डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो ये हो गया E1 वेक्टर। ठीक है, नाउ ऐसे हम बात करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ड्यू टू पी साइन थीटा E2 वेक्टर कितना होगा, E2 वेक्टर फटाफट बताइए कितना होगा। तो देखिए पी साइन थीटा के लिए पॉइंट आर कहां एग्जिस्ट कर रहा है, उसके इक्विटोरियल लाइन पर। ठीक है, कहां पर है, इक्विटोरियल लाइन पर, और इक्विटोरियल लाइन पर फॉर्मूला कितना होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। तो फटाफट बताइए ड्यू टू पी साइन थीटा के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे कि पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा ड्यू टू डायपोल मोमेंट पी साइन थीटा, फटाफट बताइए। वेरी गुड, क्या रहा है, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अब बात करिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक्स इक्विटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट के अपोजिट। देखिए डायपोल मोमेंट क्या है, इंक्लाइन में डाउनवर्ड, और रिजल्टेंट क्या होगा उसके अपोजिट, ये हो गया E2। क्लियर है यहां तक, तो यहां से हमारे पास हो गया। अब देखिए रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट जो होगा E वेक्टर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर के वेक्टर सम के इक्वल, यही होगा। अब देखिए रिजल्टेंट क्या होगा इनकी मिड में, बाइसेक्टर पर नहीं बोल रहे हम, मिड की बात कर रहे हैं यहां, इसी रेंज में आएगा। अब देखिए तो कितना होगा, ये दोनों राइट एंगल पर वर्क कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड हो गया सर हमारे पास रूट ऑफ, फटाफट बताइए अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है राइट एंगल पर वर्क करती हैं, या E1 E2 राइट एंगल पर वर्क कर रहा है, तो उस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, रूट ऑफ, वेरी गुड, कितना, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दो E1 E2 का, तो देखिए यहां से 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यू का स्क्वायर का होल रूट। तो देखिए kp अपॉन आर क्यू यहां भी आ रहा है, kp अपॉन आर क्यू यहां भी आ रहा है, स्क्वायर में अगर बाहर कॉमन निकालेंगे स्क्वायर रूट से कितना होगा, kp अपॉन आर क्यू, कितना बच रहा है बेटा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, यही हुआ। अब देखिए 4 cos स्क्वायर थीटा क्या राइट कर सकते हम, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है, अरे भाई स्पेस लिख दो ना, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो देखिए यहां से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, फटाफट बताइए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, वेरी गुड, कितना हो गया 1। यहां बात करेंगे E का वैल्यू कितना हो गया, kp अपॉन आर क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये लो। ठीक है, अब देखिए इसको क्रॉस चेक कर लेते एक बार, ये फॉर्मूला करेक्ट है या रॉन्ग है। तो सपोज करो पॉइंट आर जो है हमारे पास कहां एक्स कर रहा है, या कहना ही होता है हमारे पास है एक्स एक्सियल पॉइंट पर, कहां पर एक्सियल पॉइंट, तो अगर पॉइंट आर की वेशन यहां यहां के ना होकर के यहां होती है तो थीटा डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो कितना हो जाएगा बेटा, ये थीटा जो है डिक्रीज होगा कितना हो जाएगा 0, यही है। तो एक्सियल पॉइंट के लिए बात करेंगे थीटा का वैल्यू कितना पुट करेंगे हम 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना हो गया 1, कितना हो गया 1, तो 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4 का 2, तो कितना हो गया हमारे पास E एक्सियल पॉइंट पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 2kp अपॉन आर क्यूब, जैसा कि ऑलरेडी हम पहले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करें, सपोज करो ये पॉइंट आर जो है कहां पर है, थीटा एंगल पर ना होकर के इक्विटोरियल लाइन पर होता, तो इक्विटोरियल लाइन के लिए थीटा कितना हो गया बेटा, ये इंक्रीज हो गया,
कितना हो गया राइट एंगल 90 डिग्री। अब फटाफट बताओ इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना आएगा मेरे पास, थीटा वैल्यू कितना पुट करेंगे हम 90 डिग्री, फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। अरे भाई कोस 90 का वैल्यू कितना हो गया जीरो प्लस वन वन, ये कितना आ गया हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब। क्लियर हो यहां तक, और ऐसा ही हमने पहले ड्राइव किया था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी हो गई कहां पर एट जनरल पॉइंट पर, जो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां डायरेक्शन की बात करेंगे हम, इसकी डायरेक्शन की फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका, ठीक है। अब देखो सपोज करो जो पॉइंट आर हमारे पास है या सॉरी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है बेटा, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, किसके साथ ई वन वेक्टर के साथ। तो ध्यान से देख रहा बेटा ये ई वन वेक्टर है, ये ई टू वेक्टर था, ये रिजल्टेंट ई वेक्टर है, ये एंगल अल्फा है, ये ई वन है, ये ई टू, ये ई टू थी बेटा, ये भी तो ई टू होगा होगा। यहां मेरे पास ई टू का वैल्यू कितना आया था के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ठीक है। अब फटाफट दो टेन अल्फा का वैल्यू कितना होगा ई टू बाई ई वन, ई टू बाय ई वन, ई टू का वैल्यू आपको गिवन है, ई वन का वैल्यू भी गिवन है, फटाफट बताइए इसे ई टू बाई ई वन कितना आएगा, ई टू बाई ई वन कितना होगा बेटा, तो केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यू अपॉन टू केपी कॉस थीटा अपॉन आर क्यू, तो कितना आ गया वन बाय टू टेन थीटा, कितना आ रहा बेटा वन बाय टू टेन थीटा। अरे भाई केपी अपॉन आर क्यू से केपी अपॉन आर क्यू कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन टू कोस कितना हो गया वन बाई टू टेन थीटा, अल्फा का वैल्यू कितना हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखिए यहां से नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया अल्फा, पर ये किसके साथ है ई वन के साथ है, मुझे तो ये डायरेक्शन निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसके अबाउट एक्सेल पॉइंट, ये तो एक्सेल पॉइंट एक्सेल लाइन सॉरी, ये कितना बेटा थीटा ऑलरेडी गिवन है, अरे भाई ये थीटा तो गिवन है ना आपको, ये थीटा भी थीटा ही हुआ, तो हम बात करेंगे किसके अबाउट अबाउट एक्सियल लाइन के अबाउट, एक्सियल लाइन के अबाउट बात करेंगे कितना हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा, थीटा तो ऑलरेडी है उसमें कितना ऐड हो जाएगा अल्फा भी ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी अबाउट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो यहां बात करेंगे अल्फा का वैल्यू कितना है टेन इनवर्स टेन थीटा बाय टू। इस टाइप से अगर आपके पास अगर कोई पॉइंट है कहां पर हो एक एक्सियल लाइन पर हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लोगे, इक्वेटोरियल लाइन पर है तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम, और कहां पर जनरल पॉइंट अगर आपको दे रखा हो कोई भी थीटा एंगल पर, ठीक है इजीली कर लेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, बाकी की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।